मार क्यों रही है तू मेरे को? नहीं तो तेरी पूजा करूंगा। तुझे मेरी गलती क्या है? इधर इधर हिम्मत कैसे हाथ रखा? बुड्ढा किसे बुलाया तूने? तू ये करेगा? आग कैसे उठा रही थी? तू ये करेगा? जी ना आराम कर रही थी। ये बताना आता पाई मत कर नहीं तो यही ना यहाँ यहाँ मोर बना दूंगा तेरा, समझ गई? यहाँ बना दूंगा मोर करके काम मैं करती हूँ और फिर जाती हूँ मंडी का। क्या तेरे घर की नौकरानी है? देख ले अपनी आंखों से, देख ले इसमें क्या हाल बचा रखा है मेरा। पापा ने बोला मैंने विश्वास नहीं करा, तेरी बातों पर विश्वास करे मैंने। है अरे बेटा मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ, तबीयत खराब होगी, मेरे को ले जाते एक बार आके यहाँ से। तो ये बता बुड्ढे पार्क में क्या कर रहे हैं? तुझसे घर का काम हुआ? मैं मार्केट गया था बेटा, घबराहट हो रही थी, यहाँ बैठ गया मैं। आ जाओ एक बार बेटा, ले जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं है तो ये पार्क में क्या करने आए ये बता। अरे बेटा मेरी तबीयत पार्क में पहुँच गया है, वैसे तो बोलता रहता मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। अरे बीपी बढ़ गया मेरा अचानक, घबराहट हो रही थी, बैठ गया यहाँ। बेटा तू मरता क्यों नहीं है? देखो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तू इधर पड़ा है, फोन करके रखा है। आ जाओ बेटा आ जाओ एक बार ले जाओ। एवरीवन कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे के सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज सिंह, और अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार। और आपका भाई? मेरा नाम राजेश। तो भाई साहब चक्कर क्या है ना, ये भाई अपने बाप पे यकीन नहीं कर रहा, जिन्होंने इसको पैदा करा, जिन्होंने इनको बड़ा करा। और मतलब तू भाई अपने पापा पे यकीन नहीं कर रहा, एक बात बता, वो कल की आई हुई लड़की पे तू यकीन कर रहा है? और अंकल जी जो आपकी भी दिक्कत है ना, आप एक बार कैमरे में बताओ कि आपके साथ क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये भाई, मेरी जो बहू है इसकी वाइफ, जीना आराम कर रखा हमारा उसने। अच्छा। एक तो सारा काम कराती है, ठीक है, खाने को टाइम पे नहीं देती, चाय भी खुद बनानी पड़ती है। पापा पैसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे काम कराते हो आप? अरे बेटा तू मेरे पे यकीन नहीं करता तो किस पे यकीन करेगा उसने? जीना आराम कर। पापा वो भी ऐसा नहीं कर सकते ना, वो भी तो मेरी वाइफ है, उसको तो मैं भी समझता हूँ ना, ऐसा नहीं कर सकते। अरे बेटा तेरे को पिछली बार मैंने वीडियो नहीं दिखाई थी, उसमें नहीं देखा तूने? पापा वीडियो तो अब वो भी बना के भेज देती है, मैं वीडियो में क्या किसके मत किसकी बात उसी का वो कर ले तू सारा यकीन भाई साहब। पापा वो ऐसा नहीं कर सकती, उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सर अब क्या बताऊँ, मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरे कुछ समाधान कराओ ना, तो ये यकीन करता है और मेरा तो समाज में निकलना मुश्किल हो गया बाहर भी। भाई साहब एक बात बताऊं, ये तेरे से झूठ बोलेंगे, ये तेरे पापा हैं, कल की आई घर में तीन, भाई वो भी तो झूठ नहीं बोलेंगे, उस पर घर में तीन आदमी हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये काम धंधे के चक्कर में बाहर ही रहता है तकरीबन। अच्छा। और मेरा उसने नौकर बना रखा है। मालिक काम धंधे से बाहर आता तो मैं आपसे पूछता भी तो रहता हूँ कैसा क्या है, मतलब घर पे तो सब करता रहता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं मन लगता भाई, तू समझा तो सकता है बेटा उसे। मैं अपने आपके पापा की सेवा करते हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपके बाबा झूठ बोलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाई मैं एक बात बताऊं तेरे को, देख कल की आई लड़की पे जो तू यकीन कर रहा है ना, तेरा यकीन नाम तोड़ देंगे, तेरे बाप हैं, तेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, तेरा भला ही चाहेंगे। तो जिन्होंने मेरे वाइफ भी झूठ नहीं बोलेगी ना भाई, जिन्होंने तेरे को बड़ा करा है ना बचपन से लेके पाल पोस के, जिन्होंने इतना बड़ा बना दिया तेरे को, ठीक है, वो एक बात का यकीन नहीं करता ही। पापा ऐसी बात हो ही नहीं सकती। क्या मिलेगा भाई साहब पापा को, क्या मिलेगा झूठ बोल के? जो तू कल की आई हुई लड़की पे यकीन कर रहा है उसको भी क्या मिलेगा झूठ बोल के? उसको भाई साहब झूठ बोल के ये मिलेगा ना, क्योंकि वो आज की आई हुई लड़की है, उनके लिए इनके सगे पापा नहीं है वो। इस पे पता नहीं क्या जादू कर रखा उसने। आपका जो पूरा विश्वास है ना अभी दूर हो जाएगा, अभी फोन पे ही थोड़ा पता लग जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो मैं इनकी हेल्प करता। आप ना उनको पार्क बुलाओ एक बार ना, अंकल जी आप फोन करो एक बार ना, उनको फोन पे ही पता लग जाएगा। ऑल आउट पे करना, पता नहीं है ना तू यहाँ पे पार्क में, अभी देख लियो तू खुद ही, पता नहीं उठाएगी भी नहीं उठाएगी, अभी पता लग जाएगा भाई। अरे बेटा मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ, तबीयत खराब होगी, मेरे को ले जाते एक बार आके यहाँ से। तो ये बता बुड्ढे पार्क में क्या कर रहे हैं? तो घर का काम हुआ? मैं मार्केट गया था बेटा, घबराहट हो रही थी, यहाँ बैठ गया मैं। आ जाओ एक बार बेटा, ले जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं है तो ये पार्क में क्या करने आए ये बता। अरे बेटा मेरी तबीयत पार्क में पहुंच गया है, वैसे तो बोलता रहता मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। अरे बीपी बढ़ गया मेरा अचानक, घबराहट हो रही थी, बैठ गया यहाँ। बेटे तू मरता क्यों नहीं है? देखो ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तू इधर पड़ा है, फोन करके रखा है। आ जाओ बेटा आ जाओ एक बार ले जाओ। मैं क्या करूँ आगे, बन पार्क में आके क्या करूँ? ले जाओ मेरे को, आ जाओ बेटा एक बार, चला नहीं कर। आ जाओ। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसी निकलेगी। पापा सुन लिया,
बुढ़े घर का काम हो गया। माफ कर दो पापा, लैट्रिन तक साफ करवाती है, झाड़ू पोछा, जिंदगी आराम कर रखी है और क्या। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। माफ भाई साहब, अब तू पता लग गया ना तेरे को फोन पे क्या बोल रही है वो, और तू इन पे यकीन नहीं कर रहा भाई। मैं क्या बताऊं यार, वो ऐसी लड़की है यार, तू कल के पापा मुझे माफ कर दो, मालिक का नौकर बढ़ा के रख रखा है ना, ये यकीन करता है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा, भाई कम से कम इल्जाम लगाती है। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसी निकलेगी वो। चाय भी सुबह मैं बना के देता हूँ, जब जाके मेरे को दो वक्त की रोटी मिलती वो भी टाइम पे नहीं मिलती, सब्जी काटड़ी झाड़ू पोछा नौकर बना के रख रखा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बताऊंगा उसको, आन दो मैं बताऊंगा। अंकल आप ना उसको लोकेशन भी भेज दो एक बार व्हाट्सएप पे, ठीक है? रो मत प्लीज, आप उनको लोकेशन भी भेजो, आप रो मत, मैं उसको हम सही से बताते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल प्लीज रो मत, आप उनको लोकेशन भी भेज देना, अभी लोकेशन डालो, ठीक है? और यहाँ बुलाओ, और भाई जब तक की वो लिए आती नहीं है ना भाई, जब तक कैमरा हाइड कर देना और तुम मेरे साथ हाइड हो जाना भाई, ठीक है? और पहले मैं एंट्री मारूंगा, उसके बाद तुम एंट्री मारना, ठीक है? तो कैमरा हाइड कर दो भाई, दिखाई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। तो भाई बंद कर दो जब तक के लिए कैमरा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अरे बेटा तबीयत खराब होगी, तेरी तबीयत खराब थी तो यहाँ क्या करने आया? तेरे दम घुट रहा था, थोड़ी सी हवा लेने आया था। तू हवा लेने आया था? बुड्ढे तेरे को शर्म नहीं आती? मार क्यों रही है तू? काम करने के लिए कहा था मैंने तुझे, काम किया तू? सारा तो क्या करने आया? सारा काम करने आया यहाँ? सारा काम तो करके आया हूँ बेटा मैं। क्या काम किया तूने? तुझे और तुझे ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कर तू, मार क्यों रही है तू मेरे को? नहीं तो तेरी पूजा करूँ मैं। तेरी गलती क्या है? तेरी गलती क्यों नहीं, क्यों परेशान कर कर सब? बैठ आराम से, आराम से तो बात कर। अरे बैठ तू, बैठ तेरे को बताती हूं मैं, बैठ। क्या करने आया तू घर में जब तेरी तबीयत खराब है? तू वैसे तो बोलता रहता बीमार हूं बीमार हूं, क्या करने का? घबराहट होगी ना बेटा, मार क्यों रही तू मेरे को? नहीं तो तेरी मैं पूजा करूं, तू है कौन? तू मेरा बाप लगता है? तेरे बाप तो हूं ही, तेरा बाप संभाल हूं मैं, क्या करूं? अच्छा तू मेरा बाप संभाल है? जीना आराम कर रखा है तूने, यहां भी आके तू मेरे को मार रही है? ज्यादा जवान मत चला, ज्यादा जवान मत चला। तू बात क्यों चला रही है मेरे पे? कम बोल, तेरे बेटे ने और तूने इरिटेट करके रखा है मुझे, जब कम बोल। काम हुआ? मार क्यों रही है तू? काम हुआ? अरे काम करके तो आया हूं मैं सारा। क्या कर रही है अबे? क्या कर रही है? हाथ कैसे उठा रही है? मुझे हाथ लगाने की हाथ कैसे उठा रही है? हिम्मत कैसे इन पे, हाथ कैसे उठा रही है तू? हैं इधर आ, इधर हिम्मत कैसे हाथ लगाने की इन पे? बुड्ढा कैसे बुलाया तूने? ये बता ना, बता है? बोल बो, तो रहा तेरा बता रहा हूँ, दूर 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 नहीं हो रहा है, दूर नहीं हो रहा, हाथ छोड़, बता रहा हूँ कौन तू, ये क्या हरकत कर रही है तू? कौन कौन हूँ मैं बताऊँ तेरे को? हाथ छोड़, हाथ छोड़, ये करवाएगा? ए, बोल रहा हूँ बहुत हो गया तेरा, तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात कर, तमीज से बात, नहीं तो ये करवाएगा इसे बोलने की तमीज नहीं है, तमीज से बात, तेरे को शर्म आ रही है? तू क्या हरकत कर, वे इधर चल, तू है कौन? दूर हो जा, फैमिली मैटर में नहीं बोलेगा तू, दूर हो जा बता रहा हूँ, फैमिली मैटर ही, दूर हो जा, दूर बुड्ढे कौन है ये? तेरा बाप ये बात करेंगे अब तेरे से? मेरा बाप है? हां तेरा बाप हूं, केस करूंगी तुझ पे मैं, मेरे पे केस करेगी तू? क्या कह, क्या क्या केस करेगी? अरे ये बुड्ढे ना बड़ा परेशान कर कर चल निकल, तू ज्यादा परेशान मत कर, हाथापाई मत कर नहीं तो यही ना, यहाँ यहाँ मोर बना दूंगा तेरा, समझ गई? यहाँ बना दूंगा मोर, तेरी सोच में बहन ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? ये मेरा घर का मैटर है, घर का मैटर, घर का मैटर, घर का मैटर, पब्लिक मार रही है मेरे को, हाथ नहीं लगाएगी, हाथ नहीं लगाएगी, दूर आ तू, देख ले, देख ले बेटा अपनी आंखों से, देख ले, देख ले अपनी आंखों से, इतना भरोसा करा तू? ये पापा के सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, क्यों साथ के सॉरी बोलो, क्यों बोलो सॉरी से? मैंने परेशान कर कर को मैंने इतना विश्वास करा, तू ऐसे करेगी पापा, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, काम करना ही करना है, इसे कहते सारे काम मैं करती हूं, हैं सारे करके काम मैं करती हूं, मार कर जाती हूं मंडी का, तू क्या तेरे घर की नौकरानी है? देख ले अपनी आंखों से, देख ले क्या हाल बचा रखा है मेरा। पापा ने बोला मैंने विश्वास नहीं करा, तेरी बातों पे विश्वास करा मैंने, है तेरे घर की नौकरानी है? क्या वीडियो दिखाई मैंने? वीडियो पे विश्वास नहीं करा, विश्वास करा कौन सी वीडियो? दूर हो, दूर हो, तू ये सब करेगी मैं दूर हूं ना, पूरे घर का सत्यानाश बना रखा है, इसलिए शादी करी थी मैंने, है मेरे घर वालों का कितनी बार समझाया मैंने, शादी मेरे माँ बाप के कहने पे की थी। अच्छा ठीक है, क्या तेरे माँ बाप से बात कर लूंगा मैं,
एहसान नहीं किया, मेरी बात सुन ले। जो तेरे घर वाले परेशान करेगी, ये दूर दूर है, दूरी है, दूरी है। हमें कुछ सारी तनख्वाह सारा सारे पैसे खा गई। हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं तो लगाऊंगा, बता। मेरी शादी हुई है, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। क्या करवा रहा है ये? शर्म नहीं आती? तू क्या कर रही है? तुझे शर्म आ रही है? तू क्या कर रही है? तुझे तू तो जान ले लूंगा मैं। क्या कर रही तू है? क्यों अपने हाथ तुझे शर्म आ रही है? तू इस पे तुझे शर्म आ रही है? पापा क्यों हाथ खराब कर रहे हो? बेकार है, बुड्ढे लोग में तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जिंदगी खराब क्या कर देगी तेरे को? तो बुड्ढे लोग क्यों मार रहे हो? हाथ मत लगा दे पापा के। दूर हाथ नहीं, हाथ मत लगा दे। हाथ मत तोड़। अब मेरी बात सुन ले। हाथ मत लगा दे पापा के। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? वहाँ देख कैमरा, देख तेरी पिक्चर बनाने वाला हीरो हूँ मैं, ठीक है? और तेरी नास क्या है? क्या नास कर दूँगा? बंद कर इसे। अब क्या होगा? असली सामने आएगी तेरी। ये बंद नहीं होगा। तेरी बंद करा कैमरा। तेरी असली सामने आएगी अब। बंद करा, बंद करा, बंद करा। ये बंद कर जाएगी अभी। ये तेरे घर शांति से बैठ घर वालों को बुला। तेरे घर वाले आएंगे अभी। तेरे घर वाले देखेंगे। तेरे घर वाले आएंगे अभी। मेरे घर वाले क्यों आएंगे? उनको दिखाएंगे ना सारे। तुम हाथ उठा रहे थे ना, ये जो तुम हाथ उठा रहे थे, मेरे पापा ऐसा करते हैं, परेशान कर मेरा पूरा काम कर रहा है। ये सारे मुझे परेशान करते हैं। तेरे बाप को बुलाऊंगा, वो देखेगा तेरा वीडियो। हां याद रखेगी, शांति से बैठ जा। अब मैं बताता हूं जब बेटे, अब जब ये दुनिया देखे। कैमरा बंद करवाओ प्लीज। कैमरा बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अभी तक गाली गलौज कर रही थी, अब क्या हुआ? बोल रहा देख रही है तू? गाली दे, गाली दे ना, मार प्लीज। हाथ लगा ले पापा। हाथ उठा रही है तू? इतने बड़े हैं तेरे, इतने बड़े हैं तेरे पापा के समान तू उठा रही है? देखा रुक जाएगा। नहीं तो इतने में मेरी बात सुन ले। क्या करूँ? दिमाग खराब क्या करूँ? ये बता, यहाँ सब वीडियो सुन रही है। बता बता क्या करूँ? बता। कैमरा बंद करवा दो। कैमरा बंद नहीं होगा। क्यों करवा दो? अभी कैमरा बंद समझा, थप्पड़ मार रहा। बंद नहीं होगा प्लीज, ठीक है? मैं तो थक गया, मैंने कहा घर की इज्जत घर में रह जाएगी। प्लीज 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 भाई, सभी प्लीज प्लीज प्लीज। मैं सोच रहा मेरे चलेगा पर लेकिन नहीं छोड़ गए भाई। घर की इज्जत घर में रह जाती। प्लीज माफी मांग। अरे अपना घर संभाल दो। क्यों अब कैमरा देखती? माफी मांग। जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। मेरे पापा को भी थप्पड़ बजा रहे थे। अब क्या? कितनी बार समझाया बेटा? किस बात की माफी भाई? सॉरी सॉरी। हां किस बात की? सॉरी किस बात की? सॉरी मुझसे गलती। भाई मैं रखूंगा सो घर पे। अरे कौन रखेगा इसे? पकते यहां से। मैं आ गया भाई, मैं रखूंगा सो। भगा दे इसको। मैं मैटर कर दूं। निकल जा, निकल जा, निकल जा यहां से। बता रहा हूं निकल जा, आ गया से। मेरे घर में कोई जगह नहीं है। शांति से निकल जा, ठीक है ना? सॉरी पापा, आप रो मत पापा। सॉरी मैं इसको छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, आप चिंता मत करो। इसको मैं परेशान नहीं दूंगा पापा। मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ऐसे मत करो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। मेरे को इसका असलियत सामने लाने का पता नहीं था कि इतनी असलियत कितनी देख रहा है ना, कितनी इतनी आराम जादी निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। पापा जी आप प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। ऐसे कभी नहीं होगा, आगे से कभी नहीं होगा। अपने बाप पे यकीन करो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। सॉरी भाई गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। आप मुझे माफ कर देना प्लीज। वीडियो अच्छी लगी हो, चला लगी हो भाई साहब, आप तुम्हें पता लग गया ना किसी? हाँ भाई मुझे पता लग गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फिर से भाई। भाई साहब आपने मेरे पास मतलब इसकी हसले सामने लाए, इसकी जुड़ैल की, तो क्या बताऊँ मैं, हराम जाते निकले बहुत ज्यादा। भाई साहब ऐसी रखनी भी नहीं चाहिए भाई, ऐसी बिल्कुल नहीं रखनी। गलती भाई क्या मेरी होगी ना, क्या करूँ मैं? क्लिप मैं दूंगा इसके घर पे, सबूत दिखा। ठीक है भाई, इसके बाप को ही दिखाऊंगा कल का। मेरे बाप का बुड्ढा बोलती है और डिवोर्स दे रहा है, थप्पड़ भी मारती है। डिवोर्स दूंगा इसको, मैं घर में रखूंगा ही नहीं। अब घर पे रखने का फायदा कोई सवाल ही नहीं उठता। हाथ उठा रही है इस पे? वो तो कल पापा की उम्र के हाथ उठा रही है। बताओ भाई, तो मैं तुझे यही बताई थी ना मैंने तेरे को कि भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसी निकलेगी ना, इतना आराम ज्यादा निकलेगी। कोई दिक्कत नहीं, अब भाई साहब आप भी कैमरा फिलहाल डाकर तू बंद कर दे, वो मेरा दिमाग ऐसे खराब हो। तो भाई जैसे कि आपने देखा यार कितना बुरा कर रहे थे, इसलिए कहता हूं भाई अपने बाप पे भरोसा करो, तुम भरोसा नहीं करते। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये दोस्तों मेरी इंस्टा आईडी, आके इसमें मेरे को मैसेज करो, और धीरज प्रैंक के नाम से मेरा पेज है दोस्तों, उस पर भी आके मेरे को फॉलो करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई, जब तक के लिए।